हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC के रिवाइज्ड कैलेंडर के बारे में, जो कि अभी रिलीज हुआ है। तो क्या कुछ डेट्स आपकी रिवाइज हुई हैं और कब कौन सा एग्जाम होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहला जो आपकी बात है वो है CHSL का एग्ज़ाम, जो कि आपके कुछ बचे हुए कैंडिडेट्स का होना है। तो वो एग्ज़ाम आपका होगा 12/10/2020 से लेकर 26/10/2020 तक, यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जो CHSL के बचे हुए कैंडिडेट्स का होना था। जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हो जाएगा। फिर CGL का जो टीयर टू होना है, CGL 2019 का, वो 2 नवंबर से 5 नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो वो है 6 नवंबर से 10 नवंबर तक हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड सी का एग्ज़ाम है 2019 का, वो 16 नवंबर से 18 नवंबर होगा। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर 19 नवंबर को हो जाएगा। इसके बाद आपका CGL 2019 का जो टीयर थ्री होना है, उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है, 22 नवंबर को ये टीयर थ्री करा लेंगे। उसके बाद CPO का जो पेपर होना है वो आपका 23 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का, एग्जीक्यूटिव का कांस्टेबल का जो पोस्ट है, वो है 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक पेपर होगा। जूनियर इंजीनियर का पेपर टू होना है, वो 31 जनवरी को होगा। फिर CHSL 2019 का टीयर टू होना है, वो होगा 14 फरवरी को। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर टू होगा 14 फरवरी को, सेम ही डे पे होगा। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर इंजीनियर का पेपर होगा, पेपर वन 2020 का जूनियर इंजीनियर, वो होगा 1/10/2020 से 30/10/2020 को शेड्यूल्ड था। ये आपका 22/3/2021 से 25/3/2021 के बीच में होगा, ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है आपकी, ये यानी कि 1 अक्टूबर को डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आएगी JEE 2020 के लिए, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो CAPF का पेपर टू होगा, वो होगा 26 मार्च 2021 को। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का जो पेपर होगा 2020 का, वो होगा 29 मार्च से 31 मार्च तक, और 10 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। CHSL का जो टीयर वन होगा, वो होगा 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक, ठीक है। CHSL का जो टीयर टू है वो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा, और 12/4/2021 से 27/4/2021 तक इसकी डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस 6 नवंबर को इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ जाएगी, 6 नवंबर 2020 को, और 12/4/2021 यानी कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा जाके। और CGL 2020 जो बहुत आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका होगा टीयर वन, आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आएगी 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और 29/5/2021 यानी कि 29 मई को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा 2020 के CGL का। और CPO का एग्ज़ाम पेपर टू होगा 12 जुलाई से 2021 तक को, ठीक है। इसके अलावा MTS 2020 का पेपर की नोटिफिकेशन आएगी 2/2/2021 को, 18/3/2021 पे क्लोज होगी, और 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पेपर होगा। इसके अलावा कांस्टेबल GD का पेपर 25 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक पेपर होगा। तो बहुत लंबा कैलेंडर SSC ने जारी कर दिया है, और इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कि जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं CGL की, वो लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगले साल मई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। मई यानी 29 मई यानी कि जून में जाके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो पूरी तैयारी आप लोग करिए। इसके अलावा अन अकेडमी पर बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, अल्टीमेट आइकॉनिक बैच 2.2 है, जिसमें ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा लक्ष्य CGL SSC CHSL बैच है, इसमें आपको ये सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा GS गुरु बैच है आपका 2.0, जिसमें आपको ये सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। इन सारे बैचेस में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप मेरे सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पर। AMANT का रेफरल कोड यूज़ करके आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5400 रुपीज़ में मिल जाता है। उसके बाद आप मेरे जो बैचेज आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश का, SP बख्शी समरी का कोर्स है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, लूसेंट समरी का कोर्स है, पॉलिटी का, पैरा जंबल्स का कोर्स है, मास्टर क्लोज टेस्ट और RC का कोर्स है, एरर डिटेक्शन का कोर्स है, और 1000 EDMs का कोर्स है। तो इन सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में मिलेंगे और अगली बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।